गाइस वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? सो गाइस आज के वीडियो में शेयर करने वाली हूँ ये बॉयलर चिकन कड़ी का रेसिपी, जो कि मेरे मम्मी बहुत टेस्टी हमें बनाती है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी ये रेसिपी शेयर करूँ, एंड आई होप आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा ये रेसिपी। मैं आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से मेरे मम्मी ये चिकन कड़ी को बनाती है। तो चलिए अपने टाइम इसके वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हो मसाले को पहले से मम्मी ने रेडी करके रख लिया है, और बहुत ही बेसिक मसाले से मम्मी चिकन कड़ी को प्रिपेयर करती है। तो चलिए सीखते हैं। 3 पाव प्याज लहसुन काट कर धो लिया है, और मसाला में लाल मिर्च पाउडर, धनिया जीरा भून कर पाउडर बनाएंगे, हल्दी, मेरा मम्मी का सीक्रेट मसाला है, गरम मसाला, यहाँ पर है लौंग, इलायची, गोलमरीच, दालचीनी, छोटा इलायच, बड़ी इलायच और सूखा मिर्च, यहाँ पर है अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का कुटा हुआ, तेजपत्ता। सो गाइस आप देख सकते हो पहले से मम्मी कढ़ाई बिठाई थी गरम होने के लिए, तो ये गरम हो चुका है। इसमें ऐड की थी मम्मी सरसों का तेल, और चिकन ज़्यादा सरसों तेल में खाने में अच्छा लगता है। तो इसमें गरम होने के बाद इसमें डाली थी मम्मी तेज़पत्ता, और इसमें डाली थी प्याज, लहसुन एंड मिर्च, एंड इसमें गोटा गोटा लहसुन भी था, जो खाने में बहुत टेस्टी लगता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है लहसुन। तो आप देख सकते हो मम्मी ने स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में शेयर किया था चिकन कड़ी का रेसिपी। थोड़ा भी वीडियो स्किप ना करते, वीडियो को पूरा देखना, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको ढक कर रख देना है थोड़ी देर के लिए, और हल्का हल्का लाइट ब्राउन हो जाए उसके बाद ढक्कन हटा के इसको मिक्स करना है। आप देख सकते हो हल्का हल्का लाइट ब्राउन हो चुका है प्याज। सो गाइस आप देख सकते हो प्याज हल्का का लाइट ब्राउन हो चुका है, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है। और लाइट ब्राउन प्याज में आपको ऐड करना है ये मिर्च, अदरक, लहसुन का पेस्ट। और उसके बाद इसमें ऐड करना है ये गोटा गरम मसाला और ये सूखा हुआ मिर्च, और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद और फिर उसके बाद में ऐड करना है हल्दी और मिर्च पाउडर, उसके बाद सारे मसाले को प्याज के साथ अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद और उसमें हम ऐड करेंगे ये चिकन। चिकन को मैंने पहले से धो के वॉश कर रख लिया था, और यहाँ पे 1 kg चिकन है आप देख सकते हो, और इसको अच्छे से मिक्स करना है मसाले के साथ। और ये अच्छे से मिक्स हो चुका है अभी, और इसको ढक के रख देंगे 2 मिनट के लिए। और ढक्कन हटाने के बाद इसमें ऐड करेंगे हम लोग नमक, और आप स्वाद के हिसाब से नमक ऐड कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ पर हमने डाला था 3 चम्मच नमक। तो उसके बाद ऐड करना है इसमें रोस्टेड जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला, और इसका क्लिप डिलीट हो गया था तो मैंने वॉइस ओवर डाला है। मिक्स करके और इसको ढक के रख देना 2 मिनट के लिए, और 2 मिनट ढक्कन हटाने के बाद कुछ इस तरीके से चिकन हल्का हल्का सा ये भून चुका है, और मम्मी फिर से ढक के रख देगी 2 मिनट के लिए। और ज़्यादा चिकन ढक ढक के पकाने से और चिकन का जो स्वाद और टेस्ट जो होता है ना, बहुत ही टेस्टी होता है। और मम्मी 2 मिनट के बाद ये ढक्कन हटा के भूनती है, फिर ढक के रखती है, तो जब तक प्याज गल के और चिकन का जो कलर जब तक डार्क ब्राउन ना हो जाए, तब तक मम्मी ये चिकन को ऐसे ढक के पकाती है। और ये और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे प्याज और चिकन अच्छे से गल चुका है, और इसको अच्छे से भूनना है जब तक प्याज अच्छे से गल ना जाए तब तक, और इसको अच्छे से मिलाते रहना है। और ये इसको अच्छे से चलाने के बाद, और यहाँ पे मैंने बन रहा था राइस, और ये चिकन को अच्छे से मम्मी ने भून लिया है, और इसको ढक के रख दिया 2 मिनट के लिए। और फिर ढक्कन हटाने के बाद इसको अच्छे से फिर मिक्स करना है, और यहाँ पे देख सकते हो ऑयल अच्छे से सेपरेट हो चुका है। और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा टेस्ट करने वाली हूँ रोटी के साथ। उसके बाद मम्मी दे रही थी नमक टेस्ट करने के लिए, और ये पूरा फ्राई हो चुका है चिकन, तो अभी मैं टेस्ट करने वाली हूँ, और इसको मैं खाऊंगी पराठा के साथ। और आप इससे राइस, पराठा, पूरी और फ्राइड राइस के साथ भी खा सकते हो, बहुत टेस्टी लगता है। और इस तरीके से भी खा सकते हो, बिना पानी ऐड किए भी आप इसको खा सकते हो, बहुत टेस्टी लगता है। तो अभी मैं खाऊंगी, और बहुत ही गर्म था तो इसको मैंने फूक फूक के खाया था, और बहुत ही टेस्टी, मतलब क्या बताऊँ, मम्मी खाते चिकन लाजवाब, बहुत टेस्टी है, मेरा तो ऑल टाइम फेवरेट है। आप जरूर ट्राई कीजिएगा चिकन का रेसिपी, और अच्छा लगा हो तो कमेंट बताना कि ये आप लोगों को कैसा लगा। और इसमें और उसके बाद इसमें ऐड करना थोड़ा सा गर्म पानी, क्योंकि मम्मी चिकन करी बना रही थी और हम लोग खाएंगे राइस के साथ, तो इसमें थोड़ा सा ग्रेवी तो चाहिए होता है। और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद और 2 मिनट के लिए ढक के रख दिए, जबकि जो पानी अच्छे से बॉयल हो जाए, और इसको 2 मिनट के ढक के रख देगी, और ढक्कन हटाने के बाद और हमारा चिकन रेडी हो जाता है।
तो आप देख सकते हो ये चिकन हमारा प्रिपेयर हो चुका है। तो कैसा लगा जरूर घर में ट्राई करना, ट्राई करने के बाद जरूर बताना कमेंट में कैसा हुआ है। और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।